नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी एनर्जी कंजप्शन के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके बताया था कि उनकी कंपनी टेस्ला की गाड़ी जो है आप बिटकॉइन के द्वारा परचेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इलॉन मस्क का कहना था कि बिटकॉइन के माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का उपयोग किया जाता है और यह एनर्जी जो है कोल फॉसिल से फ्यूल से बनाई जाती है। इस कारण से बहुत ज़्यादा पर्यावरण का प्रदूषण होता है। इस कारण वे बिटकॉइन के परचेस जो है वह स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब यह बात कर लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन क्यों करती है। दोस्तों, जब बिटकॉइन की माइनिंग किया जाता है तब इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशन का जो है उपयोग किया जाता है और इसके माइनिंग के लिए जो सिस्टम का उपयोग किया जाता है वह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और एनर्जी कंजप्शन होती है। दोस्तों, अगर आप एक घंटे की माइनिंग करते हैं बिटकॉइन की तो आपको 149 टेरा वाट पर आवर एनर्जी का उपयोग होता है, कंजप्शन होता है। इसकी कंपैरिजन आप गूगल से करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वह जो है पर आवर 12.2 टेरा वाट एनर्जी का कंजप्शन करती है। यानी गूगल एक घंटे में जितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करती है उसके 13 गुना जो है एक बिटकॉइन की माइनिंग में खर्च हो जाता है। अगर आप इसकी कंपैरिजन दुनिया भर के डेटा सेंटर से करें तो वे करीबन 200 टेरा वाट पर आवर एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के माइनिंग के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड जैसा देश जितना जो है एक घंटे में एनर्जी का कंजप्शन करती है उतनी एनर्जी जो है बिटकॉइन के माइनिंग में एक घंटे में खर्च हो जाती है। दोस्तों, 2016 के बाद से एनर्जी कंजप्शन में तेजी आई है और हाल ही में जब से टेस्ला ने बिटकॉइन का परचेस स्वीकार किया था तब उसके बाद से इसमें एनर्जी कंजप्शन में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कारण से इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जो है वह बिटकॉइन का परचेस जो है वह मना कर रही है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्रोकर चुनने में परेशानी हो रही है? तो ऐसे में आप IIFL सिक्योरिटी के साथ जो है अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर आप डिलीवरी में काम करते हैं तो आपको किसी कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है और इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल 20 रुपये ही चार्ज लगने हैं। इसके अलावा आप अभी नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है।